नमस्ते मैं रवि कुमार लेक्चर कंप्यूटर साइंस जीपीसी डूंगरपुर आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे ए एस पी नेट के बारे में ए एस पी का फुल फॉर्म है एक्टिव सर्वर पेजेज ए एस पी एक डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है वेब पेजेज बनाने के लिए ए एस पी को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया और मार्केट ट्रेड किया एस पी नेट प्रोग्रामर्स को अलाउ करता है डायनामिक वेबसाइट्स बनाने के लिए एस पी नेट एक फुल फीचर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अलाउ करता है प्रोग्रामिंग करने के लिए जैसे कि सी सार और वी बी डॉट नेट जिनमें हम आसानी से वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं इसके अंदर इंटीग्रेशन प्रोवाइड किया जाता है एच टी एम एल सी एस एस और जावा पॉइंट का यह बना होता है इट इज बिल्ट ऑन दी सीएलआर सीएलआर क्या होता है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम जो कि अलाउ करता है प्रोग्रामर्स को कि वो जो भी सपोर्टेड लैंग्वेजेज हैं उनमें से कोई सी भी लैंग्वेज है वो उसमें यूज कर सकता है ए एस पी डोट नेट है वो माइक्रोसॉफ्ट ने दो हजार दो में रिलीज़ किया था एज़ ए सक्सेसर ऑफ क्लासिक एस पी उससे पहले ए एस पी चला करता था एस पी माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज किया था 98 में के बाद में दो हजार दो में एसपी नेट आ गया एसपी डॉट नेट पेज है उनका एक्सटेंशन होता है डॉट ए एसपीएक्स और नॉर्मली प्रोग्रामिंग की जाती है एसपी डॉट नेट वेब पेज एसपी एप्लीकेशन मॉडल पर आधारित होते हैं एसपी का मतलब होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन एस पी ए मॉडल बिल्कुल सेम होता है पी एच पी या क्लासिक एस पी के और एस पी नेट है वो एम वी सी एप्लीकेशन मॉडल पर आधारित होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर पर ए एस पी डॉट नेट ए पी आई एप्लीकेशन मॉडल पर आधारित होता है ए पी आई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एस पी डोटनेट वे फॉर्म इवेंट ड्रीवन एप्लीकेशन मॉडल पर आधारित होता है इवेंट ड्रीवन का मतलब जब कोई इवेंट अकर होगा तब कोई प्रोसेसिंग होगी नहीं तो कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी नॉर्मली प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो सिक्वेंसिल होता है अपने आप चलता रहता है लेकिन इवेंट ड्रीवन में जब इवेंट जनरेट होती है किसी कंट्रोल से किसी बटन से तो उसका रेस्पॉन्स जनरेट होता है जब तक कोई इवेंट जनरेट नहीं हो रही तब तक कोई रेस्पॉन्स नहीं आएगा ए एस पी डॉट नेट एस टी टी पी प्रोटोकॉल के ऊपर काम करता है और एस टी टी पी कमांड्स है और पॉलिसीज है उनको यूज करते हुए ब्राउजर और सर्वर के बीच में बाई कम्युनिकेशन है वो एस्टेब्लिश करता है एस पी डोट नेट एप्लीकेशन कोड किसी भी net सपोर्टेड लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हैं जैसे सी सार्प है वी बी डॉट नेट है जे स्क्रिप्ट है जे है एस पी डॉट नेट यूज करते हैं हम इंटरक्टिव डेटा ड्रीवन वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए इंट्रक्टिव डेटा ड्रीवन वेब एप्लीकेशन क्या होते हैं ऐसी वेबसाइट्स इनको हम क्या बोलते हैं डायनेमिक वेबसाइट्स डायनेमिक वेबसाइट्स क्या होती है इंटरेक्टिव होती है यूजर उनसे इंटरेक्ट कर सकता है यूजर कुछ रिक्वेस्ट भेजता है वहाँ से कुछ रेस्पॉन्स आता है डेटा ड्रीवन की उनके अंदर डेटा रहता है डेटा सपोर्ट करता है डेटा से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके यूजर को डिस्प्ले कराई जाती है यूजर जो डिस्प्ले जो इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहता है वो डेटाबेस में स्टोर की जाती है तो डायनेमिक वेबसाइट्स है उनका मतलब ये होता है डायनेमिक वेबसाइट्स होती है इंटरेक्टिव और डेटा ड्रीवन तो ए एस पी डोटनेट को यूज करते हुए हम ऐसी वेबसाइट्स बना सकते हैं और इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ कंट्रोल्स होते हैं जैसे कि बटन है बॉक्सेज हैं लेबल्स है असेंबलिंग है कॉन्फिग्रेसिंग है मैनिपुलेशन है, है वो क्रिएट करते हैं एस टीमल पेजेज को ए एस पी डोटनेट वेब फॉर्म मॉडल एसपी डॉट नेट वेब फॉर्म एक्सटेंड द इवेंट ड्रीवन मॉडल ऑफ इंटरेक्शन टू वेब एप्लीकेशंस जो ब्राउजर है वो सबमिट करता है एक वेब फॉर्म को वेब सर्वर पर और सर्वर रिटर्न करता है फुल मार्कअप पेज और एच पेज इन रेस्पॉन्स तो ब्राउजर है वो रिक्वेस्ट भेजेगा किसी वेब सर्वर पर और वहाँ से वेब सर्वर है वो रेस्पॉन्स भेजेगा तो ये रिक्वेस्ट ब्राउजर कैसे करेगा वो फॉर्म के रूप में रहेगा एक फॉर्म है उसके अंदर कुछ डिटेल्स फिल कर सकता है वो जो भी सारी एक्टिविटीज है क्लाइंट साइड की वो फॉरवर्ड की जाती है सर्वर को और सर्वर है उनको प्रोसेस करता है और जो आउटपुट है उसको वापस रेस्पॉन्स के रूप में क्लाइंट मशीन पर सेंड करता है एच है वो एक स्टेट लेस प्रोटोकॉल होता है स्टेट लेस का मतलब उससे पहले वाली स्टेट में क्या हुआ है और आगे वाली में क्या करना है उस उसके बीच में कोई लिंक नहीं होता है एक इंडिपेंडेंट पेज होता है सब तो इसमें हिस्ट्री है उससे कोई लिंक नहीं होता है इसके अंदर एच के अंदर ए एस पी फ्रेमवर्क क्या है? करता है हेल्प करता है स्टोर करने के लिए इन्फॉर्मेशन को रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ द एप्लीकेशन विच ऑफ पेज स्टेट सेशन स्टेट जैसे कि हम वेबसाइट्स पर करते हैं हम लॉग करते हैं लॉग वाले पेज पर अब उसके बाद में हम अपना प्रोफाइल पेज ओपन करते हैं या कोई दूसरा पेज अपन ओपन करते हैं किसी भी वेबसाइट पर तो वहाँ पर भी पर्टिकुलरली अपना जो यूजर का पेज है वो ही ओपन होता है किसी और का ओपन नहीं होता जबकि एस है वो तो स्टेटलेस है तो ए एस पी डोटनेट क्या कर रहा है वो सेशन के थ्रू जो अपनी यूजर नेम है अपनी यूजर आई है उसको यूज करते हुए अपने से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो ही डिस्प्ले कराता है अपने को जो भी अपन जो वेबसाइट्स जहाँ भी अपन लॉग इन करते हैं वहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर हम जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तब हम देखेंगे कि जब हमने लॉग इन किया तो हमारा जो पहले का डेटा है पहले के हमने ऑर्डर कर रखे हैं हमारे वॉलेट में कितने पैसे हैं कौन सा आइटम डिलीवर हुआ है कौन सा रिटर्न किया है तो सारी जो हमारे बारे में इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पर डिस्प्ले हो जाती है और हम खूब सारे वहाँ पर पेजेस होते हैं जिनसे हम अलग अलग पेजेस से शॉपिंग करते हैं कार्ट में आइटम्स एड होते जाते हैं तो हमने पाँच या दस पेज विजिट किए वहाँ से जितने भी आइटम्स हैं वो परचेज किए तो वो हमारी कार्ड के अंदर एड हो जाएंगे लास्ट में एक साथ आ जाएंगे वो और वहाँ पर हमारी लास्ट में बिलिंग हो जाएगी तो वो जो स्टोर करने का काम है इंफॉर्मेशन का वो ए एस पी डॉट नेट फ्रेमवर्क है वो उसमें हेल्प करता है ए एस पी डॉट नेट है वो कंपोनेंट मॉडल है ए एस पी डॉट नेट मॉडल प्रोवाइड करता है वेरियस बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए एस पी डॉट नेट पेजेज बेसिकली कंपोनेट मॉडल क्या होता है ऑब्जेक्ट मॉडल ही होता है जो डिस्क्राइब करता है सर्वर साइड काउंटर पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एस्टीमल एलिमेंट्स और फॉर्म एंड इनपुट सर्वर कंट्रोल्स विच हेल्प इन डेवलपिंग कॉम्प्लेक्स यूजर इंटरफेस तो सर्वर कंट्रोल क्या हेल्प करते हैं कॉम्प्लेक्स यूजर इंटरफेस को डेवलप करने में हेल्प करते हैं जैसे एग्जाम्पल है सर्वर कंट्रोल्स के कैलेंडर कंट्रोल है ग्रिड व्यू कंट्रोल है कंपोनेंट्स ऑफ नेट फ्रेमवर्क अब नेट फ्रेमवर्क के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं ये कंपोनेंट्स है, हमने वी वी डॉटनेट भी पढ़े और ए एस पी डोट नेट में दोनों में काम में आएंगे कि दोनों है तो क्या नेट टेक्नोलॉजी तो फर्स्ट है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम और सी एन आर ये क्या करता है मेमोरी मैनेजमेंट परफॉर्म करता है एक्सेप्शन हैंडलिंग करता है डी बगिंग करता है सिक्योरिटी चेकिंग करता है थ्रेड एग्जीक्यूशन करता है कोड एग्जीक्यूशन करता है कोड सेफ्टी का ध्यान रखता है वेरिफिकेशन करता है और कंपाइलेशन इतने सारे काम करता है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम अब कॉमन लैंग्वेज रन टाइम होता क्या है जैसे कि हमने पहले देखा कि नेट टेक्नोलॉजी में खूब सारी लैंग्वेज है वो सपोर्ट करती है तो हम कुछ भी वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं या डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हैं तो हम हमारे पास ऑप्शन है कई सारी लैंग्वेजेज हम किसी भी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं लेकिन कॉमन लैंग्वेज रन टाइम में क्या होता है कि वो जो सारी लैंग्वेज है वो जाके एक फॉर्मेट के अंदर आगे ट्रांसलेट हो जाती है तो इसीलिए हम क्या करते हैं अलग अलग लैंग्वेज है वो यूज कर पाते हैं डोटनेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी इट कंटेंट्स एज लाइब्रेरी ऑफ रीयूजल टाइप्स क्लासेज इंटरफेसेज स्ट्रक्चर और इनमरेटेड वैल्यूज है तो इन सब को मिला के हमारे पास एक बहुत बड़ी डोटनेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी होती है जिससे हम डेटा को री कर सकते हैं क्लासेज को री यूज करते हैं इंटरफेसेज को इनबिल्ड जो क्लासेज हमारी इंटरफेसेज है और हम खुद भी जो इंटरफेसेज क्लासेज बनाते हैं उनको भी हम लाइब्रेरी में ऐड करके उनको फ्यूचर में रीयूज कर सकते हैं कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन इसके अंदर क्या होती है कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन होती है जो भी डोटनेट सपोर्ट करता है उन लैंग्वेज की और जो इम्प्लीमेंट की जाती है लैंग्वेज इंटीग्रेशन में कॉमन टाइप सिस्टम कॉमन टाइप सिस्टम प्रोवाइड करता है गाइडलाइंस फॉर डिक्लेयरिंग यूजिंग एंड मैनेजिंग टाइप्स ऑफ रन टाइम क्रॉस लैंग्वेज कम्युनिकेशन मेटर डेटा एंड असेंबलीज मेटर डेटा क्या होता है मेटाडेटा का मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा डेटा के बारे में डेटा तो ये क्या करता है बाइनरी इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करता है प्रोग्राम विच is इधर स्टोर्ड इन a पोर्टेबल executable फाइल और इन the मेमोरी विंडोज फॉर्म्स विंडोज फॉर्म्स क्या करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसी भी विंडो का डिस्प्ले करते हैं जिसके अंदर हम देखेंगे कि फॉर्म कंट्रोल्स में बटन्स टेक्स्ट बॉक्स लेबल्स वगैरह होते हैं उनकी हेल्प से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिस्प्ले कराते हैं ए एस पी डोट नेट एंड एस पी नेट ए एस पी नेट वेब डेवलपमेंट मॉडल और एजेक्स एक्सटेंशन इसमें हम ऐसे पेज डेवलप कर सकते हैं जिसमें एक पेज के अंदर किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर हमें कोई इन्फॉर्मेशन अब अपडेट करनी है तो पूरा पेज अब उसको रीलोड करने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ वो पर्टिकुलर पार्ट है उसी को हम क्या करेंगे रीलोड करेंगे तो एजेक्स है उसका ये बेनिफिट है एडियो डॉट नेट एडियो डॉट नेट का हम लेते हैं हम डेटाबेस से कनेक्टिविटी के लिए ये प्रोवाइड करता है एक्सेस टू डेटा सोर्स जैसे डाटा बेस कोई सा भी हो सकता है एस सर्वर हो सकता है ओ एल हो सकता है एस हो सकता है तो एडियो डॉट नेट अलाउ करता है कनेक्शन टू डेटा सोर्स फॉर रिट्रीविंग मैनिपुलेटिंग एंड अपडेटिंग डेटा जिससे हम डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं मैनिपुलेट कर सकते हैं अपडेट कर सकते हैं डिलीट कर सकते हैं विंडोज़ वर्क फ्लो फाउंडेशन इट हेल्प्स इन बिल्डिंग वर्क फ्लो बेस्ड एप्लीकेशन इन विंडोज़ तो विंडोज़ के अंदर वर्क फ्लो बेस्ड एप्लीकेशन डिजाइन करने में ये हेल्प करता है इसके अंदर जो एक्टिविटीज होती है वर्क फ्लो रन टाइम होता है वर्क फ्लो डिजाइनर होता है रूल्स होते हैं इंजन के विंडोज फाउंडेशन इट प्रोवाइड्स ए सेपरेशन बिटवीन द यूजर इंटरफेस एंड द बिजनेस लॉजिक इसके अंदर यूजर इंटरफेस और बिजनेस लॉजिक दोनों के अंदर सेपरेशन होता है विंडोज प्रेजेंटेशन फाउंडेशन एसपी के अंदर ऐसा नहीं होता एएसपी में क्या दोनों मिक्सिंग हो जाती है यूजर इंटरफेस और बिजनेस लॉजिक उसमें मिक्सिंग हो जाती है लेकिन यहाँ पर ए एस पी नेट में दोनों अलग अलग रहते हैं इसलिए ये हेल्प करता है डेवलप करने के अंदर विजुअली स्टनिंग इंटरफेसेज यूजिंग डॉक्यूमेंट मीडिया टू एंड थ्री डायमेंशनल ग्राफिक्स एनिमेशन एंड मोर इसलिए इतनी अच्छी वेबसाइट्स बना पाते हैं विंडोज कम्युनिकेशन फाउंडेशन इट इज़ द टेक्नोलॉजी यूज फॉर बिल्डिंग एंड एग्जीक्यूटिंग कनेक्टेड सिस्टम्स ए एस पी डॉट नेट प्रोवाइड करता है एबस्ट्रेक्शन लेयर ऑन टॉप ऑफ एच टी टी बी विच द वेब एप्लीकेशन आर बिल्ड इट प्रोवाइड्स हाई लेवल एंटिटीज सच एज क्लासेज एंड कंपोनेंट्स विथ इन एन ऑब्जेक्ट ओरियंटेड पेराडीम अब ए एस पी डॉट नेट के अंदर एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए हमारे पास एक टूल है वो उसका नाम है विजुअल स्टूडियो और ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ही विकसित किया गया है विजुअल स्टूडियो को हम बोलते हैं आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि कोड को राइट करने का कंपाइल करने का और डीबगिंग करने का ये सारा काम है वो एक टूल के अंदर हो जाता है इसलिए ऐसे टूल को हम क्या बोलते हैं आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट विजुअल स्टूडियो प्रोवाइड करता है कंप्लीट सेट ऑफ डेवलपमेंट टूल्स का जिसमें हम एस पी डॉट नेट है उसके अंदर वेब एप्लीकेशंस वेब सर्विसेज डैश एप्लीकेशन भी बना सकते हैं वी डॉट नेट में और मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं ये सारी सुविधाएं विजुअल स्टूडियो में रहती है माइक्रोसॉफ्ट है वो स्टूडेंट्स के लिए एक फ्री वर्जन भी प्रोवाइड करता है विजुअल स्टूडियो का और इसके अंदर साथ में एस सर्वर भी रहता है और इसको आप डब्ल्यू से इंस्टॉल कर सकते हैं और इंस्टॉल करने के बाद आप में इसमें वी वी को यूज करते हुए डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं ए एस पी को यूज करते आप वेब एप्लीकेशन वे भी इसमें बना सकते हैं तो इस वीडियो में हमने देखा ए एस पी का इंट्रोडक्शन इसके बाद में जो नया टॉपिक हम लेके आएंगे आगे आने वाले वीडियो में वो रहेगा ए एस पी और ए एस पी के अंदर क्या सिमिलरिटीज है क्या डिफरेंस है थैंक यू